वेलकम, मैं आपकी होस्ट साइमा खान हाजिर हूँ आपका पसंदीदा शो सिनेमा की दुनिया लेकर। आज हम आपको फिल्मी जगत से जुड़ी तमाम अपडेट से रूबरू कराएंगे और साथ ही साथ मेलोडी क्वीन लता मंगेशकर जी की हेल्थ अपडेट भी देंगे और सिनेमा जगत में क्या हलचल है ये तमाम बातें आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए अपने इस खास प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। 50 के दशक को फिल्म इंडस्ट्री का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये वो दौर है कि जब फिल्म इंडस्ट्री में कई अनोखे बदलावों का आगाज हो रहा था, तो वहीं फिल्मी दुनिया एक ऐसी आवाज से रूबरू हो रही थी जिसके सुरीले तार लोगों के दिलों पर दस्तक दे रहे थे और बेहद कम समय में ये आवाज समूचे भारत की शान बन गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के खास रत्नों में से एक मेलोडी क्वीन लता मंगेशकर जी की। लता मंगेशकर जी ने 7 दशकों में 27,000 से ज्यादा सुपरहिट गाने देकर फिल्मी दुनिया पर राज किया है। तो आइए उनके जिंदगी के कुछ पहलुओं पर नजर डालते हैं और उनके बुलंदी के सफर को जानते हैं। लग जा गले के फिर हसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। संगीत आज हर इंसान के जीवन का हिस्सा रहा है। हालांकि संगीत के प्रति ऐसी लहर आजादी से पहले नहीं थी। उस समय गाने तो लिखे जाते थे, लेकिन ऐसा कंठ नहीं था जो इन गानों को एक ऊंचाई दे सके। तब प्रदापरण हुआ सुर कोकिला लता मंगेशकर का, जिनके गाए गानों में आम आदमी से लेकर अपने क्षेत्र के शिखर पर बैठे हर व्यक्ति तक की भावनाओं को आवाज मिली। लता की सुरीली आवाज सभी नारियों के जीवन की सभी भावनाओं और पड़ावों की आवाज बन गई। वैसा अब तक संसार में कहीं और नहीं हो पाया। लता मंगेशकर के साथ काम करने वाले संगीत निर्देशक अपने आप को भाग्यशाली समझते थे, जिन्हें एक ही आवाज में भोलापन, कुमार्य, स्त्री तत्व तथा सही उच्चारण सहित 7 स्वर और सारे नवरस मिल गए थे। लता जी गायकों और संगीतकारों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी रही। लता जी ने अलग अलग परिस्थितियों में इतनी भाषाओं में इतने गीत गाए हैं कि शायद ही कोई इंसान होगा जिसके निजी जीवन को उनके स्वर ने छुआ ना हो। पर इनका सफर आसान नहीं था। जीवन संग्राम की शुरुआती अध्याय में एक छोटी सी बच्ची को अपने परिवार वालों के लिए निवाले जुटाने के लिए जमीन और आसमान के कुलाबे एक करने पड़े थे। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक बेहतरीन थिएटर सिंगर थे। दीनानाथ जी ने लता को तब से म्यूजिक सिखाना शुरू किया जब वह 5 साल की थीं। उनके साथ उनकी बहन आशा भोसले, उषा और मीना भी सीखा करती थीं। बचपन से ही म्यूजिक में इंटरेस्ट होने की वजह से लता मंगेशकर ने अपना पहला पार्ट अपने पिता से सीखा था। वे अपने पिता से अपने सभी भाई बहनों के लिए क्लासिकल म्यूजिक सीखती थीं। जब लता जी महज 5 साल की थी, तब से उन्होंने अपने पिता के म्यूजिकल प्ले के लिए एक्ट्रेस के तौर पर काम करना शुरू कर दिया था।
लता मंगेशकर जी के टैलेंट का एहसास उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर को बचपन में ही हो गया था। उन्होंने लता जी के करियर को बहुत प्रोत्साहित किया था। शुरू से ही संगीत में इंटरेस्ट होने की वजह से लता जी ने क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग उस्ताद अमानत खान, बड़े गुलाम अली खान, पंडित तुलसीदास शर्मा और अमानत खान देवसल्ले से ली थी। लता मंगेशकर के टैलेंट को बहुत जल्द ही पहचान मिल गई थी। छोटी सी उम्र में ही उन्हें पहली बार एक प्ले में एक्ट करने का मौका मिला। लता अमान अली खान साहब और बाद में अमानत खान के साथ भी पढ़ी। शुरुआत उनकी थिएटर से हुई, पर उनका इंटरेस्ट हमेशा से ही संगीत में था। उस समय लता जी के एल सहगल के म्यूजिक से काफी प्रभावित थी। जब उनके पिता की दिल की बीमारी से मौत हो गई और वो अपने बड़े परिवार को बीच में छोड़ के चले गए, उस वक्त लता जी सिर्फ 13 साल की थी। मगर परिवार में सबसे बड़ी होने के कारण लता जी पर अपने भाई बहनों की जिम्मेदारी आ गई। उसके बाद से लता जी ने काफी कम उम्र में ही अपने परिवार के लिए काम करना शुरू कर दिया था। 13 साल की उम्र में लता जी ने अपने करियर की शुरुआत मराठी गाने से की थी। लता ने अपना पहला गाना 1942 में मराठी फिल्म कीति हसाल के लिए गाया, लेकिन आने वाले सालों में उन्हें पहचान बनाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। लता जी के टैलेंट को पहचान मिली 1947 में, जब फिल्म आपकी सेवा में उन्हें एक गाना गाने का मौका मिला। इस गाने के बाद तो उन्हें फिल्मी दुनिया में एक पहचान मिल गई और एक के बाद एक कई गीत गाने का मौका मिला। शुरुआती दौर में लता जी का जीवन उतार चढ़ाव से भरा रहा। इसी दौरान वह सफलता की शिखर पर पहुंचती गई। सफलता की राह कभी आसान नहीं होती। लता जी को भी अपना स्थान बनाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई म्यूजिक डायरेक्टर ने तो उन्हें शुरू शुरू में पतली आवाज के कारण काम देने से साफ मना कर दिया था। उस समय की फेमस प्लेबैक सिंगर नूरजहां के साथ लता जी की तुलना की जाती थी, लेकिन धीरे धीरे अपने टैलेंट की वजह से उन्हें काम मिलने लगा। लता जी की इस कामयाबी ने उनको फिल्मी दुनिया की सबसे मजबूत महिला बना दिया था। उन्नीस तक उनका काफी नाम हो गया था। फिल्म मजबूर में उन्हें गायन का मौका संगीतकार गुलाम हैदर ने दिया। फिल्म का गाना दिल मेरा तोड़ा मुझे कहीं का ना छोड़ा से लता मंगेशकर को लोग बेहद पसंद करने लगे। दिल मेरा तोड़ा, तुझे कहीं कौन छोड़ा, तेरे प्यार में, हाय तेरे प्यार में। इसके बाद 1949 में आई फिल्म महल में उन्होंने अपना पहला सुपरहिट गाना आएगा आने वाला गाया। इस गाने के बाद लता जी संगीत की दुनिया के कई बड़े म्यूजिक डायरेक्टर और प्लेबैक सिंगर की नजरों में आ गई थी, जिसके बाद उन्हें एक के बाद एक कई गानों के ऑफर मिलते चले गए। ये कह रहे हैं मुझसे दिल के
दशकों से सुबह शाम दिन रात देशवासियों के कानों में मिस्री की आवाज घोलती आई है, लता जी की आवाज। उत्सव समारोह में गूंजते रहे उनके नगमे, सिर चढ़कर बोलता रहा उनकी आवाज का जादू, दिल को छूती है उनकी कोयल सी बोली। नई गायिकाओं के आने और लोकप्रिय होने के बाद भी अरसे तक लता की आवाज़ का जादू बरकरार रहा। उनकी आवाज़ में जो वैविध्य है वही उसकी विशेषता है। एक प्रेमिका का दर्द, मनुहार, शोखी को वह बखूबी अपने पुरअसरार आवाज़ के जरिए उभार सकते हैं। वहीं उनकी आवाज में माँ का वात्सल्य, पुजारण की श्रद्धा और शिशु की चपलता भी बड़ी खूबी से उनके स्वरों में ढलती रही है। एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। लता मंगेशकर जी की पॉपुलैरिटी के पीछे उनकी लगन, परिश्रम और तपस्या के साथ साथ उनका भारत के प्रति गहरा प्रेम और भारत कल्याण की भावना भी है। क्या नाम है अपना, जहां में खड़े हैं कहां पे हम? है हमें जाना कहां, चले हैं कहां पे हम? हमसे पूछे लता मंगेशकर भारत के दिग्गज गायकों में से एक नाम है जिन्होंने हजारों से ज्यादा फिल्मों में गाने गाए। इसके साथ ही उन्होंने कई रीजनल भाषाओं में भी अपनी मधुर आवाज दी। दादा साहेब फाल्के, भारत रत्न और कई नेशनल अवार्ड सहित दुनिया भर में भी कई पुरस्कार अपने नाम किए। स्वर कोकिला, स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर जी का सिंगिंग करियर देखे तो इतना शानदार और सुहाना सफर अन्य किसी का भी नहीं रहा। एक शब्द में कहा जाए तो ईश्वर का वरदान है लता मंगेशकर जी। जी हाँ, लता जी की पॉपुलैरिटी के पीछे उनकी लगन, परिश्रम, तपस्या के साथ साथ देश के प्रति उनका प्रेम भी रहा। सदी की महानायिका कहलाने वाली लता जी न सिर्फ संगीत के क्षेत्र में बल्कि आम जीवन में भी लोगों के लिए एक मिसाल हैं। लता जी का नाम सबसे ज्यादा गाने रिकॉर्ड करने वाले आर्टिस्ट के तौर पर दर्ज हो चुका है। जहां उनका करियर लोगों के लिए एक आदर्श है, वहीं हर कोई उन जैसी सफलता हासिल करना चाहता है। तो किस तरह से लता जी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं और उनके करियर से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें हमें बता रहे हैं यतिंद्र मिश्र, जो कवि, संपादक होने के साथ साथ संगीत और सिनेमा के विद्वान भी हैं। लता मंगेशकर की आमद के पहले फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारी नामचीन गायिकाएं स्थापित थी। कानन देवी, जोहराबाई अंबाला वाली,
अमीर बाई कर्नाटकी सुरैया और शमशाद बेगम। लेकिन जब पहली बार तराना के लिए लता मंगेशकर ने एक गाना गाया अनिल विश्वास की कंपोजिशन में, बेमान तोरे नैनवा निंदिया ना आए, तो अनिल विश्वास को ये लगा कि अब हम लोग नवाचार कर सकते हैं, इनोवेशन कर सकते हैं, और अब हमें वो ऐसी आवाज मिल गई है जिस पर आगे का दारोमदार निर्भर है। और आप देखें, सिर्फ शुरुआत के 5 साल देखें, जिस समय अनिल विश्वास उनको गवा रहे हैं तराना में, जिस समय बरसात तुरंत आई हुई थी 49 की फिल्म, और हवा में उड़ता जाए मुरलाल दुपट्टा मलमल का शंकर जयकिशन के म्यूजिक पे गाया, बाद में 2-3 साल लता मंगेशकर के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बने, जिसमें सी रामचंद्र के म्यूजिक में अनारकली, हेमंत कुमार के संगीत में नागिन और नौशाद के संगीत में बैजू बावरा का म्यूजिक आया। आज भी मोहे भूल गए सावरिया जैसा गाना हो, जादूगर सैया छोड़ो मोरी भैया, या जिंदगी उसी की है और मोहब्बत ऐसी धड़कन है, मानक बन गए। इन गीतों के माध्यम से लता मंगेशकर ने 3-3 मिनट के गीतों में वो सारी मानवीय संवेदनाएं भरी, वो रागदारियां भरी, वो गमक का काम किया, मीड का काम किया, हल्के से आलाप लिया और लार्जर देन लाइफ पर्सपेक्टिव बनाया। लता जी के बारे में क्या कहा जाए, भारत में वो एक ऐसा सांस्कृतिक प्रतीक है जो पिछली शताब्दी में कम लोगों को उसका मुकाम हासिल रहा है। नृत्य के क्षेत्र में रुक्मणी देवी अरुंडेल और बाला सरस्वती जी को जो मुकाम हासिल है, संगीत में इंस्ट्रूमेंटल संगीत में जो पंडित रविशंकर और बिस्मिल्ला खान साहब को हासिल है, हिंदुस्तानी फिल्म संगीत में वही मुकाम केएल सहगल, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर को हासिल है। लता जी के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि 1947 में आपकी सेवा में फिल्म के लिए, जब वो दत्ता डावजेकर की फिल्म आपकी सेवा के लिए गायन करती हैं, पा लागू कर जोरी मोसे शाम खेलो ना होरी, वो उस समय आती हैं गायन के क्षेत्र में प्रॉपर सिनेमा में जब भारत आजाद हो रहा है। तो भारत का जितना सांस्कृतिक इतिहास है, लता जी की कलात्मक यात्रा का भी उतना ही बड़ा इतिहास है। और हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि दक्षिण एशियाई महिलाओं की जो स्थिति है उसमें आवाज को लेकर के, स्त्री की उद्मुक्त आकांक्षा के स्वप्न को लेकर के लता मंगेशकर ने जो काम किया है वो अप्रतिम है। अपनी सुरीली आवाज से लोगों को मदहोश कर देने वाली लता मंगेशकर जी को 92 साल की उम्र तक कोई बीमारी नहीं रही। इसकी बड़ी वजह उनका लाइफस्टाइल और खान पान रहा। वहीं इस साल की शुरुआत में एक बेहद दुखद खबर आई कि वो कोरोना संक्रमित हो गई हैं। जाहिर सी बात है कि ये खबर उनके फैंस के लिए बेहद दुखद है। उनके फैंस जो देश में ही नहीं विदेशों में भी हैं, उनकी हेल्थ को लेकर बेहद फिक्रमंद हैं। तो आइए जानते हैं उनका हेल्थ अपडेट। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, उनके परिवार ने मंगलवार ये जानकारी दी है। गौरतलब है लता मंगेशकर जी को कोरोना वायरस संक्रमण के चलते बीती 8 जनवरी मुंबई के एक निजी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था। लता मंगेशकर का परिवार और डॉक्टर लगातार उनकी हेल्थ को लेकर अपडेट दे रहे हैं। परिवार ने सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट भी की है कि मामले की गंभीरता को समझने की कोशिश करें, अफवाहें फैलाने से बचें और लता जी की अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना करें। लता दीदी ने 70 सालों से भी अधिक फिल्म इंडस्ट्री में अपनी सिंगिंग से फैंस को रूहानी एहसास दिया है। लता जी को दुनिया भर में पसंद किया जाता है। सोशल मीडिया पर लता जी काफी एक्टिव रहती हैं और अपने फैंस संग इंटरेक्ट करना पसंद करती हैं। आज का दौर बदल गया है और हम सुपर इंटेलिजेंस मशीनी युग में रह रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो घर घर तक पहुंच गया है, इंसान इस मशीनी युग में खुद को कैसा महसूस करता है और इस मशीनी मायाजाल से खुद को कैसे बाहर निकाल सकता है, इसी पर आधारित एक फिल्म आई थी द मैट्रिक्स, जिसने आते ही तहलका मचा दिया था और इसके मुख्य अभिनेता कियानू रीव्स भी रातों रात मशहूर हो गए थे। अब इसका 4th सीक्वल आया है और इसमें भी कियानू रीव्स ने धूम मचा दी है और लोग इनकी एक्टिंग से बेहद इंप्रेस हो रहे हैं। तो आइए जानते हैं इस इंप्रेसिव एक्टर के बारे में। I'm up.
मजा आ गया ना? नाइस राइड. थैंक्स. डेजी. साल 2014 में रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्म जॉन विक आज तक की हॉलीवुड की बेहतरीन एक्शन थ्रिलर फिल्मों में से एक है. I lost everything. That dog was a final gift from my dying wife. Jonathan, you got out once. You dip so much as a pinky back into this pond, you may find something reaching out to pull you back in. It's personal. Where'd you get that car? What does it matter? जिसमें एक से बढ़कर एक एक्शन सीन देखने को मिल जाते हैं. It's who you did it to. The nobody? The nobody. It's John Wick. इसके अलावा इस फिल्म का जॉन विक नाम का किरदार काफी ज्यादा फेमस हुआ था. I'm not afraid of John Wick. आज भी कई लोगों का ये पसंदीदा किरदार है, लेकिन इसके बावजूद आज गिने चुने लोग ही ये जानते होंगे कि जॉन विक का किरदार निभाने वाला एक्टर कौन है. तो हम आपको बता दें कि फिल्म जॉन विक में जॉन विक का किरदार निभाने वाले एक्टर का नाम कियानू रीव्स है और वो काफी फेमस कैनेडियन एक्टर है. कियानू रीव्स को बिल एंड टेड्स एक्सीलेंट एडवेंचर, स्पीड, पॉइंट ब्रेक और उनकी एक्शन फिल्म सीरीज द मैट्रिक्स में उनके द्वारा निभाए गए बेहतरीन किरदारों के कारण काफी ज्यादा पसंद किया जाता है. We can't see it, but we're all trapped inside these strange repeating loops. Billions of people just living out their lives, oblivious. But this is the moment for you to show us what is real. I remember this. Maybe this isn't the story we think it is. They taught you good, made you believe their world was all you deserved. But some part of you knew that was a lie. Some part of you remembered what was real. It's so easy to forget how much noise the Matrix pumps into your head. Something else makes the same kind of noise. War. Most important choice in Neo's life. Part of me feels like I have been waiting my whole life for you. If you want to see Trinity again, fight for her! ये है मैट्रिक्स फिल्म के सुपरस्टार कियानू रीव्स. कियानू रीव्स 3 साल के थे तभी उनके सगे बाप ने उन्हें छोड़ दिया. ये 3 अलग अलग सौतेले पिता के साथ रहते हुए बड़े हुए. बचपन में वो डिसलेक्सिया से पीड़ित थे. एक गंभीर दुर्घटना में चोटिल होने के बाद उनका हॉकी का खिलाड़ी बनने का सपना चकनाचूर हो गया. उनकी एक बेटी जन्म लेते ही मर गई. उनकी पत्नी का कार एक्सीडेंट में निधन हो गया. उनके बेस्ट फ्रेंड रिवर फिनिक्स ड्रग ओवरडोज के कारण नहीं रहे. उनकी सिस्टर को ल्यूकेमिया हो गया. उनके साथ कोई बॉडीगार्ड नहीं रहता, कोई लग्जरी घर नहीं है. वो एक साधारण से अपार्टमेंट में रहते हैं और अक्सर न्यूयॉर्क में उन्हें सबवे में यात्रा करते हुए देखा जा सकता है. जब वो फिल्म लेक हाउस की शूटिंग कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनका कॉस्ट्यूम असिस्टेंट किसी को रोते हुए बता रहा था कि अगर उसने पैसे नहीं चुकाए तो उसका घर हाथ से निकल जाएगा.
रीव्स ने चुपचाप $20,000 उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। 1997 में कुछ पपराजी पत्रकारों ने देखा कि सुबह सुबह रीव्स लॉस एंजलिस में किसी बेघर इंसान के साथ मॉर्निंग वॉक कर रहे थे और कई घंटों तक वो उसकी बातें सुनते रहे। अपने करियर में उन्होंने मैट्रिक्स सीरीज में कमाए हुए लगभग $75 मिलियन की राशि चैरिटी में दान कर दी। दूसरों की सबसे ज्यादा मदद की चाह रखने वाला इंसान कभी कभार अंदर से बहुत टूटा और बिखरा हुआ होता है। ये व्यक्ति जो सब कुछ खरीद सकता है, सब कुछ अरेंज कर सकता है, हर सुबह उठने के बाद वो ऐसी चीज चुनता है जिसे किसी भी कीमत पर खरीदा नहीं जा सकता, और वो है एक केयरिंग इंसान बनना। तो सिनेमा के दुनिया के इस खास एपिसोड में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे सिनेमा जगत से जुड़ी कुछ खास और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, टेक केयर।